दोस्तों गुड मॉर्निंग और अभी सुबह के सात बज रहे हैं आपको पता है और आज मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ मैंने आज बहुत ही ज़्यादा कुछ स्पेशल लिखा था तो मैं रात में लैपटॉप में काम कर रही थी मुझे लिखते 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 सुबह के सात बज गए और अगर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ मैं काम कर रही थी तो मेरी मम्मी इतनी गालियाँ सुनाएंगी ना मुझे सच मैं तो अब मैं फटाफट से सोने के लिए जा रही हूँ और ग्यारह बजे तक मुझे एनी हाउ उठना है मैंने घर की फटाफट सफाई कर ली और जब मैं नहाऊंगी तो मैंने उसके लिए अपने कपड़े वपड़े भी बाथरूम में तैयार करके रख लिया सब आयरन कर लिए कपड़े और बस अब फटाफट से सो जाती हूँ जल्दी से दो चार घंटे की नींद मान लेती हूँ वरना मेरा बुरा हाल हो जाएगा ऑफिस में काम भी नहीं होगा ठीक है दोस्तों मैंने सोचा मैं बता देती हूँ मैंने कुछ कांड किया है लेकिन आज मैंने कुछ ऐसा लिखा है शायद आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा रात को सुनाऊंगी मैं आपको वो पढ़ के अभी तो मजा खराब हो जाएगा सुबह सुबह सुपर। ठीक है फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद सो फाइनली ऑफिस से घर पे आ चुके हूँ और अभी बज रहे हैं बारह आज मैं बारह बजे आ गई <laughs> एग्जैक्ट क्योंकि क्या कहते हैं कल मेरी उन्होंने यार मिड शिफ्ट लगाई है कल मुझे सुबह दस बजे ऑफिस पहुंचना है यार कल के लिए बड़ी आफत गई इतनी लेट होंगी और फिर सुबह जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा खैर अब कल जल्दी जाना है सुबह तो फिर जल्दी जल्दी काम भी निपटाना पड़ेगा वैसे मैंने आज कुछ लिखा है जैसा कि मैं आपको सुबह जिक्र कर रही थी कि मैंने कुछ लिखा है लेकिन उससे पहले मैं आज की दिन की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेती हूं तो आज की सबसे ज्यादा बड़ी ब्रेकिंग आई नो के आप सभी जानते होंगे आर्यन खान को बेल मिल चुकी है आफ्टर ट्वेंटी फाइव डेज और उसके पापा शाहरुख खान ऑब्वियसली वो अपनी जो लीगल टीम उसे मिली हुई है उसके साथ उसने फोटोज वोटोज क्लिक कराए हैं वो काफी खुश था उसके चेहरे पे काफी स्माइल थी आज आप लोग तो जानते ही हैं माता पिता को कितना लगाव होता है अपने बच्चों से तो उसका एक, एक एक्टर होने से पहले तो उसके फादर हैं वो तो इसीलिए वो आज उसने चैन की सांस ली है अब आर्यन खान दिवाली और उसके पापा का बर्थडे यानी कि शाहरुख खान का बर्थडे आसानी से सेलिब्रेट करेगा अपने मन्नत में और उसके जो भी फैन हैं आर्यन खान के भी फैन हैं और शाहरुख खान के तो सपोर्टर्स हैं ही आप लोग जानते हैं तो सभी लोग शाहरुख खान के घर के बाहर मन्नत के बाहर जश्न मना रहे थे पटाखे वटाखे छोड़ रहे थे डांस कर रहे थे ढोल भजवा रहे थे और बैनर वगैरह लेके खड़े हुए थे वेलकम होम प्रिंस आर्यन आज आर्यन खान की बेल पर पब्लिक ने एक टिप्पणी छोड़ी है वो भी कंपेयर किया है आर्यन खान को आर माधवन के बेटे वेदांत से परवरिश को कंपेयर किया है बेसिकली कि आर माधवन का बेटा जो है वो बहुत अच्छा स्विमर है तो उसके बेटे ने आज सेवेंथ नेशनल स्विमिंग अवार्ड जीता है सिल्वर उसके पास ऑलरेडी तीन ब्रॉन्ज मेडल है और चार सिल्वर मेडल है तो उसी के चलते उन लोगों को कंपेयर किया गया है आर्यन खान और वेदांत को कि वेदांत परवरिश पे कि वेदांत की परवरिश देखो कितनी अच्छी है कि वो एक एक तो है जो भारत का नाम रोशन कर रहा है और एक अपने बाप का ही नाम बदनाम कर रहा है तो एक ये आज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है खबर तीसरी ये है एमपी में जो नर्मदा रिवर है एमपी वाले उसको मां बांधते हैं और वो इतनी ज्यादा दूषित हो चुकी है इतनी ज्यादा दूषित हो चुकी है कि आज शिवराज ने शिवराज चौहान जो वहां के सीएम हैं, एमपी के उन्होंने बैठक बिठाई थी और आज वहां पे बातें हुई उसकी कैसे सफाई करी जा सकती है और उसकी सफाई के नए नए तरीके उन्होंने बताए हैं कि कैसे उसको साफ कर सकते हैं और अभी हाल ही में ख़बरों में ये सुनने में आ रहा है क्योंकि इलेक्शन है अब यूपी में तो योगी सरकार जो है यूपी में जो है पेट्रोल के दाम पांच रुपए पेट्रोल और डीजल पे पांच रुपए घटा देगी और समीर वानखेड़े पे जो टारगेट हो रहा है उसकी पर्सनल लाइफ को भी जो बार बार उछाल के लाया जा रहा है उसकी मुसलमान ना होने पर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं बताया जा रहा है कि वो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है तो उसकी बीवी ने समीर वानखेड़े की बीवी ने एक खत लिखा है महाराष्ट्र सरकार को कि मैं एक महाराष्ट्र की बेटी हूँ और उद्धव ठाकरे को लिखा है और अगर आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते और वो ये सब देखते तो उन्हें दुख होता कि एक महाराष्ट्र की लड़की की प्रतिभा उसका गौरव उसके, गौरा, उसके गौरा, कैरेक्टर पे उंगली जो उठाई जा रही है तो इसी के चलते उसने एक पूरा खत लिखा है महाराष्ट्र सरकार को एक ये खबर है जो आज ज़्यादा ट्रेंड में है और एक बॉलीवुड न्यूज़ ये भी है कि जो हमारे सुपरस्टार रजनीकांत जो हैं वो चेन्नई में एडमिट हैं वो रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो इसी के चलते वो कावेरी हॉस्पिटल में एडमिट हैं जो कि चेन्नई में स्थापित है और मेरे ख्याल से आप लोग क्रिकेट के बारे में भी जानते होंगे आज श्रीलंका से जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया <laughs> तो आज की ये ही कुछ ट्रेंडिंग खबर है बाकी आज जो मैंने लिखा है वो अब मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ कि मैंने क्या लिखा है मुझे उसमें कुछ करेक्शन भी करना है एक्चुअली मम्मी ने उसमें दो गलतियां बताई थी तो वो भी मुझे करेक्ट करना है तो ठीक है फिर जल्दी जल्दी इसको ठीक कर लेती हूँ और आपको वो पढ़ के सुना देती हूँ फिर एडिट वेडिट करके और अपलोड करके सो जाती हूँ क्योंकि सुबह ऑफिस भी जाना है आज मैंने अपनी जो ये कल्पना शब्दों में लिखी है वो ज्यादा ही कॉमन है उसका टॉपिक मतलब बहुत कॉमन है उसका टॉपिक है प्यार ठीक है प्यार एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में ही बेहद खास और खूबसूरत है जिसके मायने इस मतलबी दुनिया से परे हैं मैं प्यार के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती मगर मेरे लिए प्यार का मतलब मेरी मां है मैंने बचपन से लेकर आज तक ये ही सुना है कि प्यार का एहसास बहुत ही अनोखा होता है मेरे दिल के कुछ अल्फाज हैं जिन्हें शब्दों का रूप दे रही हूं प्यार में कुछ खास दिलचस्पी तो नहीं है और ना ही जानकारी पर कुछ तो है प्यार में जो मेरा भी मन कुछ कहने को कहता है मेरे लिए प्यार दो रूह का मेल है ऐसा प्यार आसानी से तो नहीं मिलता बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें ये सुख प्राप्त होता है मगर आजकल के प्यार की परिभाषा थोड़ी अलग है आजकल के प्यार में रूह के मेल का तो नहीं पता लेकिन जिसम का मेल आसानी से हो जाता है आजकल का प्यार तो सिर्फ खेल है ना कोई सादगी है ना ही सम्मान सिर्फ शतरंज के खेल जैसा मालूम पड़ता है जिसमें सिर्फ झूठ की मिलावट है बेबुनियाद वादे बेबाक बातें ही हैं और कहूं तो सब फरेब सा मालूम पड़ता है मगर मेरी परिभाषा में प्यार काफी अलग है जिसमें सिर्फ सच्चाई है कोई मिलावट नहीं है कोई गणित नहीं है इज्जत और सादगी है वो कहते हैं ना ओल्ड स्कूल लवर टाइप प्यार मां का अपने बच्चों के लिए सबसे सौम्य और निश्चल जैसे पार्वती माँ का गणेश और कार्तिके के लिए माता यशोदा का अपने कान्हा के लिए कौशल्या मां का राम के लिए और मेरे होम मिनिस्टर का मेरे लिए मेरी मां प्यार जैसे पार्वती जी का शिव जी जी के लिए अनंत स्नेह राधा का कृष्ण से सीता का राम से और मेरे लिए भी होगा किसी का जो अभी भगवान ही जानते हैं मेरा वाला प्यार माँ के लिए बेहद खास वाला प्यार पापा के लिए जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत जगह से ऊंचा वाला प्यार भाई के लिए थोड़ा अटपटा वाला प्यार बहन के लिए थोड़ा नौटंकी वाला प्यार परिवार के लिए मर्यादा वाला प्यार दोस्तों के लिए शिद्दत वाला प्यार जानवरों के लिए निश्चल वाला प्यार और मेरे स्पेशल वन के लिए क्या कहूँ जब भगवान को मंजूर होगा वो तो तभी होगा और जिन्होंने इस लायक बनाया है मेरे गुरु मेरे भगवान उनके लिए प्यार शब्द तो मामूली सा है उनकी तो मैं सारी की सारी हूं मैंने आज ये लिखा प्लीज़ गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताना एक मिनट मम्मी का कॉल आ रहा है ठीक है गाइज अभी दो बज चुके हैं मेरी व्लॉग आधी एडिट हो चुकी है वीडियो शेयर हो चुकी है मम्मी से बात हो चुकी है और अब मैं जाने वाली हूँ सोने के लिए क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जाना है तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्लीज़ शेयर करें बाय गुड नाइट टेक केयर स्वीट ड्रीम्स